एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। इन दीज अलजेबरिक एक्सप्रेशन फ्रॉम पार्ट 1 टू पार्ट 8 वी हैव टू फाइंड द टर्म्स विच कंटेन एक्स एंड वी हैव टू राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। इन सभी अलजेबरिक एक्सप्रेशन में ऐसी कौन सी टर्म्स हैं जो एक्स वाली टर्म रखती हैं? तो पार्ट वन, वाई स्क्वेयर एक्स प्लस वाई में एक्स वाली टर्म कौन सी है? वाई स्क्वेयर एक्स। तो एक्स का कोएफिशिएंट कौन है, मतलब एक्स को मल्टीप्लाई कौन करता है? वाई स्क्वेयर, एक्स को वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई करता है, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई स्क्वेयर। 13y² माइनस 8yx, इनमें से एक्स वाली टर्म है माइनस 8yx, तो इसमें एक्स का कोएफिशिएंट कौन है? एक्स को मल्टीप्लाई कौन करता है? माइनस 8y। एक्स प्लस वाई प्लस जेड में से एक्स वाली टर्म होगी एक्स और एक्स को मल्टीप्लाई कौन करता है? वन। फाइव प्लस जेड एक्स में से एक्स वाली टर्म होगी जेड एक्स, एक्स को मल्टीप्लाई कौन करता है? जेड। वन प्लस एक्स वाई में से एक्स वाली टर्म दो हैं इसमें, एक तो होगी फर्स्ट टर्म होगी एक्स और दूसरी एक्स वाली टर्म है एक्स वाई, तो एक्स को मल्टीप्लाई कौन कर रहा है? वन। और एक्स वाई में एक्स को मल्टीप्लाई कौन कर रहा है? वाई, तो एक्स का कोएफिशिएंट होगा वाई। ऐसे ही इस टर्म में 12xy², ये है एक्स वाली टर्म, तो एक्स का कोएफिशिएंट एक्स को छोड़कर बाकी दोनों रहेगी 12y², ये है एक्स का कोएफिशिएंट। ऐसे ही 7x प्लस xy² में से दोनों ही एक्स वाली टर्म है, फर्स्ट टर्म होगी 7x, दूसरी होगी xy², तो एक्स का कोएफिशिएंट 7 और इसमें एक्स का कोएफिशिएंट y². क्वेश्चन नंबर 4b, इसमें हमको ये बताना है कि वाई स्क्वेयर वाली टर्म कौन सी है। तो इन दोनों में से वाई स्क्वेयर वाली टर्म है माइनस एक्स वाई स्क्वेयर, और वाई स्क्वेयर का कोफिशेंट क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। वाई स्क्वेयर को मल्टीप्लाई कर रहा है माइनस एक्स। सेकेंड पार्ट में इन दोनों में से वाई स्क्वेयर वाली टर्म होगी 5y² और वाई स्क्वेयर का कोफिशेंट 5। इन तीनों में से वाई स्क्वेयर वाली जो टर्म्स हैं, एक तो है माइनस 15xy² और दूसरी है 7y², वाई स्क्वेयर का कोएफिशिएंट माइनस 15x, वाई स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 7। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टू टर्म्स हो उसको कहते हैं बाइनोमियल, और एक ही टर्म है तो उसको कहते हैं मोनोमियल। इसमें है 1, 2, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल, इसमें भी 1 टर्म है मोनोमियल, इसमें 3 टर्म्स हैं ट्राइनोमियल, और इसमें 6th पार्ट में 2 टर्म्स हैं बाइनोमियल, और इसमें 3 टर्म्स हैं बाइनोमियल। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक आज सॉल्व कर लेंगे।